इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा वो उन चीज़ों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, वह भी मुफ्त में। असली खुशी तो वो है जो आपके माँ बाप के चेहरे से झलके और उसकी वजह आप हो। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण, और जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण समझदार व्यक्ति की पहचान है। यदि आप कहीं गए हैं और आपके आसपास कोई महिला है तो आप उस महिला और उसके पर्स या बैग पर ध्यान दें। यदि वो महिला असहज महसूस कर रही होगी तो वो अपने बैग को या अपने पर्स को अपने गोद में रख देगी या उसे कसकर पकड़ लेगी। किसी व्यक्ति के साथ अच्छे तालमेल स्थापित करने के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक ये है कि उस व्यक्ति को कोई नहीं और कंधे के बीच हाथ पर बातों बातों में स्पर्श करते रहे। अगर आपको किसी का झूठ पकड़ना है तो आप उसके इन 8 हरकतों पर जरूर ध्यान दें। पहला मुंह ढकना, और दूसरा नाक को छूना, और तीसरा इधर उधर सिर हिलाना या अजीब से सिर हिलाना, और चौथा आँखों को रगड़ना, और पांचवा बार बार कान को पकड़ना, और छठा गर्दन खुजलाना, और सातवा कॉलर को खींचना, और आठवा मुंह में उंगलियों को ले जाता। जब दो व्यक्ति अगल बगल बैठते हैं तो उनके पैर क्रॉस की दिशा महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि वे अच्छे जान पहचान के हैं तो ऊपर का पैर दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करेंगे या रहेंगे, और यदि वे असहज है तो पैरों की दिशा को बदल लेंगे। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और वह आपकी आंखों में सीधे देखता है तो इसका मतलब यह है कि वह आपकी बातों पर ध्यान दे रहा है और आपको अच्छे से सुन रहा है। लेकिन अगर वे लंबे समय तक लगातार आपको देख रहा है या घूर रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपसे गुस्सा है, आपको धमकी भरी नज़रों से देख रहा है। ऐसा व्यक्ति जो सीधे या शांत या चुपचाप ना बैठ पा रहा हो, वो अपने आसपास की चीज़ों से खेल रहा हो, जैसे चाबियों से, सिक्कों से, अंगूठी से, इन हरकतों से यह पता चलता है कि वो व्यक्ति बोर हो रहा है और बात करने में बैठने में उसका मन नहीं लग रहा है। इंसानों में लगभग 18 तरह की अलग अलग मुस्कुराहट होती है, जिनमें कई झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन केवल एक मुस्कान ऐसा होता है जो सच्चा होता है और सच्ची खुशी को दिखाता है, जिसे टचेन मुस्कान कहा जाता है। इसमें हंसते वक्त आँखों के नीचे खाल उठ जाती है। मुंह के भाव और मूवमेंट भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने नीचे होठों को चबा रहा हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी चिंता में, डर में या अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हो। जो लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं वे ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उनके पास नकारात्मक चीज़ें सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं रहता है। जब आप ये सोच रहे होते हैं कि आप अपने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तब कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि आप उनसे बेहतर स्थिति में हैं, इसलिए कभी उम्मीद ना छोड़ें। लोग चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए, उन्हें खुद के बारे में बात करने दें और उन्हें गौर से सुने, इससे उन्हें आपसे पूरी तरह से प्यार हो जाएगा। अगर आप भीड़ में सबसे अलग दिखना चाहते हैं और सभी की निगाहें आप पर रहे तो आप लाल और काले रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दें। ध्यान आकर्षित करने के लिए यह सबसे बेहतरीन रंग है। यदि आप चाहते हो कि आपकी बातों को कोई ना भूले तो आप अपनी बात को एक कहानी के तौर पर बताएं। कहानियों को इंसान जल्दी याद और लंबे समय तक याद कर पाते हैं। रात में अचानक नींद टूट जाने का मतलब है कि आपकी आत्मा किसी के सपने में गई हुई है, या फिर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा सोचा होता है। सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसे जीवन से सबसे कम शिकायतें हैं, जिसे भविष्य का भय नहीं होता, वही वर्तमान का आनंद उठा सकता है। ताकत आवाज़ में नहीं, अपने विचारों में रखिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। धैर्यवान लोग अपनी निंदा भी शांतिपूर्वक सुन लेते हैं। सोचने की शक्ति बहुत बड़ा वरदान है, किंतु ना सोचने की शक्ति उससे भी बड़ा वरदान है।
जो आपसे जलते हैं उनसे गुणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती है। जिसने किसी और को आपके लिए छोड़ा, अटल सत्य है कि वो आपको भी किसी और के लिए छोड़ देगा। माफ करना और शांत रहना सीखो। ऐसी ताकत बन जाओगे कि एक दिन पहाड़ भी रास्ता देगा। यदि आप दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं तो आप नकारात्मक सोच के शिकार हैं। जिंदगी में दिल से प्रशंसा, दिमाग से हस्तक्षेप और विवेक से प्रतिक्रिया में ही समझदारी है, वरना मौन ही बेहतर है। जीवन में कुछ भी हासिल करना सरल है, पर सरल होना बहुत कठिन है। ज्ञान अर्जित करने की तीन माध्यम होते हैं। पहला चिंतन करके, ये उत्तम माध्यम है। दूसरा अनुकरण करके, ये सरल माध्यम है। तीसरा अनुभव से, ये कष्टकारी माध्यम है। जिस बात से कोई खिलखिला उठे वही बात सबसे खूबसूरत एवं आनंदमय है। जीवन ऐसा जियो कि ईश्वर को पसंद आए। दुनिया वालों की पसंद तो रोज बदलती रहती है। कई बार सिर्फ धैर्य बनाए रखना ही हल नहीं होता, बल्कि आपको अपनी दिशा बदलने की जरूरत होती है। जिसे अपनी कुशलता और क्षमता पर विश्वास होता है वही लोगों का विश्वास जीत सकता है। जो आपसे सच्चा प्यार करता होगा, वो चाहे आज आपके साथ होगा या आपसे दूर, लेकिन उसके मन में आपके लिए आज भी बहनता मोहब्बत होगी, तो देखना वो हमेशा खोया खोया सा दिखेगा। या उसके सोशल मीडिया पोस्ट भी अचानक दर्द भरे होने लगेंगे और वो आपके नंबर को बार बार अनब्लॉक और ब्लॉक करने लगेगा, ताकि आपको पता चल सके कि वो भी आपको याद कर रहा है। बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखिए। ईश्वर आपकी तमाम उलझने सुलझा देंगे। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। एक मजबूत मन एक कमजोर शरीर को चला सकता है, लेकिन एक कमजोर मन एक मजबूत शरीर को नहीं चला सकता। आत्मबल शारीरिक बल से अधिक महत्वपूर्ण है। हर कोई इस बात से अनजान है कि वो खुद कितना कीमती है। खुश रहो और खुशियां बांटो, क्योंकि खुशियों की कमी ही दुख है। जीवन में सही सलाहकार का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि जीवन जीने के लिए वाय। विचारों को पढ़कर कोई परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। अपनी बातों को अपने मन में रखें। बोलने से ज़्यादा करके दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। सम्मान के साथ जीने का तरीका यह है कि वो बने जो आप होने का दावा करते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते।